हेलो फैमिली, अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30 और मैं यहाँ पे ना कपड़े सब फोल्ड कर करके रख रही हूँ, क्योंकि गांव चली गई थी ना। तो ये ना इनकी आदत है, अपने भी कपड़े दूसरे के भी कपड़े, एक कपड़ा निकालेंगे पूरा गिराएंगे, ऐसे कर करके पूरा ठूस दिए थे। तो मैं सारा निकाल के अच्छे से फिर से लाइन से कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर ना पूरा कपाट ना मैसी सा रहता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि ढूंढो एक तो मिलता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से फोल्ड करके रख दे रही हूँ। सो अब जाके मैंने फाइनली सारा अरेंज कर दिया अच्छी तरीके से। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ, और मेरा काम वाम हो गया। कपड़े वपड़े भी जो बहुत दिन से पेंडिंग थे फोल्ड करने के लिए, वो भी सब फोल्ड हो गए। तो मैंने सोचा चलो आज बहुत दिन हो गए, मतलब ऐसे साड़ी पहन के रेडी हो ना, तो रेडी रहूंगी ना तो कम से कम एक दो रील भी बन जाएगा। तो सोची रील्स बना लूं, और अगर आप लोगों को मेरी रील्स पसंद आती होंगी ना, तो मैं अपना इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग उस पर जाके फॉलो कर लेना और जाके देखना कि कैसी रील्स बनाती हूँ। तो मैं सोची चलो रील बना लूंगी, पर जब तक सोची रील बनाऊँ, रेडी तो हो गई पर रील बनाऊँ, फिर मैं सोचा था चलो थोड़ा सा लेट जाऊँगी, बट दीदी बोला नहीं अभी चल, तो कहीं जाना तो था ही आज के दिन, तो कहाँ चलना है वो आपको बताती हूँ मैं। रेडी तो मैं पहले से ही थी रील बनाने के लिए। ये देखो ये कैसे देख रहा है, पूरी लाइट्स वगैरह। तो हाँ रील्स, तो डुगू पहले ही बाहर वेट कर रहा है मेरा। तो चलो लेके चलती हूँ आप लोगों को भी, कहाँ चलना है बताती हूँ आपको। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड देख के समझ गए मैं कहाँ आई हूँ, मम्मी के घर आई हूँ, मतलब दीदी रह रही है। डुगू को सुला दिया, देखो बात करते करते यहीं सोफे पे सो गया, और द्रियांश को अंदर सुला दिया, दिखाती हूँ। ये रहा, ये सो रहा है। द्रियांश को छोड़ के, क्योंकि द्रियांश सो रहा है, सक्षम है, देखेगा। डुगू भी सो गया है, अब मुझे जहाँ चलना है वहाँ बताती हूँ। एक्चुअली मुझे जाना है, मैं और दीदी जा रहे हैं, आप लोग देख ही लोगे तो समझ जाओगे हम लोग क्यों जा रहे हैं। तो किसी के घर जा रहे हैं, किसी के घर क्या, सुबह आंटी के घर जा रहे हैं, मतलब जो डुगू की आंटी नानी है, फेवरेट नानी, तो उनके यहाँ जा रहे। क्यों जा रहे वो आपको देख के बताती हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ बताना। बहुत दिन के बाद साड़ी पहना है, अच्छा लग रहा है। मैंने अब सोचा है ना कि बीच बीच में मैं साड़ी ज़रूर पहना करूँगी, कुछ रहे या ना रहे, मतलब ओकेजनली ज़रूरी नहीं है। मैं सोची बहुत दिन से ना साड़ी रखे रखे बोर हो जा रही हूँ, देख के मैं उब जा रही हूँ, अब पहनी ज़्यादा नहीं हूँ, बस जो वीडियोज़ या किसी के यहाँ दुरदुरिया चटपटा में जाती तभी पहनती हूँ, पूरा रखे रखे वैसे ही है। तो अब सोची बीच बीच में ना सब साड़ी पहनूंगी, सही ना। सो अभी चल रहे हैं हम वहाँ पे, दीदी गई है नीचे, दीदी को भेजी थी नीचे नारियल पानी लाने, दीदी नारियल पानी लेके आ रही है, और मैं यहाँ से चलूँगी डायरेक्टली। वैसे तो दीदी यहीं आ रही है, हाँ लेफ्ट आ रही है दीदी है। चलो आपको भी लेके चलती हूँ उनके घर पे। सो हम लोग के साथ पोपट हो गया, वो ये हुआ कि आंटी ने एक्चुअली बात हुई थी कि वो बोली थी फ्राइडे को मैं आ जाऊँगी, बताती हूँ मैं क्यों जा रही थी देखने। हम लोग जा रहे थे क्योंकि आंटी का हुआ है ऑपरेशन, तो स्टोन का, तो वो बोली थी मैं फ्राइडे को आ जाऊँगी। मैंने सोचा चलो फ्राइडे को आ जाऊँगी, मैं सैटरडे को उनको मिलने जाऊँगी। वैसे भी गांव से हम लोग आए थे, तो प्रसाद लाए थे, तो उनको दिए नहीं थे, पर जब अभी गए सैटरडे को देखने, तो घर पे पता चला तो वो आई नहीं है, मतलब अपने मायके में है। आंटी ये वीडियो देखेगी तो रिप्लाई कर देना, तो वो अपने मायके में वो आई ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जान दो, फालतू में हमारा पोपट हो गया, नारियल पानी भी ले लिया, लेकिन ठीक है नारियल पानी तो यूज़ में आ जाएगा, हम लोग खुद ही पी लेंगे, तो जाने दो पोपट हुआ तो क्या करें, खुद पे भी हंसी आ रही है। पर आंटी फ़ोन भी नहीं उठा रही है, क्यों नहीं उठा रही हो, कमेंट तो कर दो। तो चलिए वापस आ गए घर पे। अच्छा वो बच्चे सुला के गई थी, नहीं तो चला तो सब के उग्गू गुग्गू सब जाते। अब क्या करती, अच्छा वह सो के गए थे, हुआ होगा कुछ रीज़न जो आंटी ने नहीं आई। उसको दे देना, वही के दे चले। वाओ क्या है डुगू, ये किसका बर्थडे है? आज थोड़ी है, खा लो। बी लेटेड मिला केक, तो मैं
एक दिन के बाद आएंगे। अभी रख के ले जाए, उसके खुशी के साथ दे देना। टेस्टी टेस्टी के। बस 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 बस, अभी तुम पूरा मुंह में लगा दोगे, खा लो तुम, फटाफट फिनिश करो। अभी मैं आ गई मम्मी के घर से नीचे, थोड़ा सा मैंने आज रिक्शा नहीं मिला आते वक्त, तो पैदल चल के आना पड़ा और थक गई थी ना इसलिए बैठ गई। इसको भी नींद आई है तो अब चल रही हूँ ऊपर, क्योंकि डुगू को जाना है ट्यूशन, तो 10 मिनट का टाइम है। तो डुगू बोल रहा है नहीं मम्मा थोड़ा सा मुझे नीचे खेलने, तो मैंने सोचा चलो खेल लेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। दिखाती डुगू क्या कर रहा। डुगू कहाँ खड़े हो, बैठ जाओ। हाँ यहाँ बच्चे शाम के टाइम रोज़ छोटे छोटे बच्चे सब खेलते हैं, बड़े नहीं सारे छोटे बच्चे। आ गया ट्यूशन से और इनको मैंने दे दिया खाना, ये भी खा लिए, मैंने भी खा लिया। डुगू को चल रही देने क्योंकि वो नीचे चला जाएगा खेलने, और ये भी सोके उठा गया है। और मैंने कहाँ रख दी, मैं लाई हुई थी, मेरा ना खांसी नहीं ठीक हो रहा तो मैं सोची ये ट्राई करूँ, मेडिकल पे पूछा मैंने तो ये मेडिसिन मिला है भाप लेने वाला, तो सोच रही हूँ अपना जो हॉट केतली है ना उसमें से भाप ले लूँ, क्योंकि भाप वाला तो मेरे पास है नहीं। पहले लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, जुगाड़ बैठाती हूँ, केतली में भाप लेती हूँ, क्योंकि वो इसमें मुंडी डालते हुए बनेगा मुझे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी रखी हूँ, थोड़ा सा। अब इसका करती हूँ बटन ऑन और अब इसमें डालूँगी ये मेडिसिन। देखती हूँ अब ये वाला एक लास्ट ऑप्शन है, इससे ट्राई करती हूँ, अच्छा हुआ तो ठीक, क्योंकि इनको भी खांसी आ रही थी, तो जब तक कफ अच्छे से नहीं निकलेगा ना तब तक नहीं ठीक होगा खांसी। मैंने सोचा चलो ये भी एक ट्राई कर लेती, इनकी खांसी तो इसी से गई थी ना आपकी खांसी, आप भी तो 2-3 बार लिए थे, इसलिए मैं भी इस बार यही लेके आ गई। और जुगाड़ मेरा ये है कि केतली में इसको डालूंगी, थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसको ओपन करूंगी, और ये गया मेडिसिन और ये मैंने चालू कर दिया। अब तक गर्म हो रहा है, भाप लेना बहुत वो होता है ना, मैं आपको बोल रही थी क्या हुआ, खुद तो नहीं लेते थे ऐसा, ने भाप तो मैंने भी गर्म हुआ छोड़ हुआ, अभी आप मजा लोगे। आपको बोलती थी ना ज्यादा देर तक लोग, तेज निकलने दो तब, अभी नहीं तेज निकलना चाहिए, जा रहा है बहुत, बाप रे गंदा बहुत टेस्ट है, आपने कभी बताया ही नहीं टेस्ट है, आपने बताया ही नहीं टेस्ट भी आता है। कैसे लेते बाबा, नाक मुझे नाक में, मेरा नाक जाम थोड़ी है, मुंह गलेगा मेरे को करना है। ए चला चला गया उधर, इधर आ इधर आ, कहाँ गया उसको दिखाओ, उसको दिखाओ ये कहाँ चला गया है, बाथरूम में जा रहे हैं, बाप रे थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा रुक के
मेडिसिन इसी में रहने देती हूँ, थोड़ी देर बाद लेती हूँ। अरे तुम तो बोले आधा घंटा तक लेना चाहिए, लो लो ना। मेरे को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गले में ना पूरा टेस्ट जाता है अजीब सा गंदा सा। सही में लेकिन अच्छा लग रहा है, फिर से लूंगी थोड़ी देर बाद। तो मेरा स्टीम लेके हो गया, सच में मैंने फर्स्ट टाइम लिया, वैसे तो कभी मैंने भाप लिया नहीं है, पर सच में स्टीम लेके ने का मेरे को एक फायदा अभी तुरंत का तुरंत लगा कि जो मेरे को कंटिन्यू अभी खांसी आ रही थी ना, इधर थोड़ा सा सहलाना कम हो गया है, मतलब अच्छा लग रहा है, खांसी गई नहीं है पर अच्छा फील हो रहा है, तो खांसी हो नहीं रही है। अभी फिर से एक बार सोते टाइम ले लूँगी ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी सारा कुछ होने के बाद अब क्या बचा काम, ये सब बर्तन अभी मांजने हैं। चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा बर्तन मांज लेती हूँ, वरना वो रखे रखे ना मेरे को टेंशन हो जाएगा कि बर्तन धुलना है बर्तन धुलना है। कम से कम बर्तन धुल लूँगी तो रिलैक्स रहूँगी। ये देखो इनको हॉल में दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, ये मोबाइल में बिजी है और द्रियांश खेल रहा है, डुगु गया है नीचे खेलने, नीचे बुला रहा है, लेकिन मैं सोचूँ बर्तन धुल लूँ फिर जाऊँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगी वहाँ, वरना बर्तन नहीं धुला रहा ना तो मुझे टेंशन रहेगा कि बर्तन नहीं धोई हूँ इसके लिए। चलो फटाफट से धो लेती हूँ फिर बात करती हूँ। अभी खिलाने बैठी मैं द्रियांश को, थोड़ा सा वो बिस्किट पार्ले जी बिस्किट खिलाती हूँ, खा लेता है बट उसको भी कफ हुआ है ना सर्दी से तो वो नहीं खाया, उल्टी कर दिया। ये हैंकी अच्छा हो उसकी गले पे लगाती हूँ ताकि कपड़े ना खराब हो, बट फिर भी उसका थोड़ा सा खराब हो गया है। अब पहले वो सब कर लूँ फिर बर्तन धो लूँ, वरना मेरा काम सारा पेंड हो जाएगा। जो प्लान क्लियर और नहीं होता ना फिर बुरा लगता है, इसलिए मैं प्लान जल्दी करती ही नहीं हूँ। इसको रख देती हूँ साइड में। सो मेरा बर्तन धुल के हो गया, अब मैं चल रही हूँ नीचे। चल रहे हो आप ही? आप तो मंदिर में चलोगे ना सुंदरकांड घूमने? चलो नीचे चलते। ये देखो बाप बेटे खेल रहे हैं, आपके सामने कितने छोटू सा लग रहा है वो। सो मैं अभी नीचे गई थी बट आ गई क्योंकि बोर हो रही थी, बस डुगू भी रोने लगा कि अब चलो घर, तो डुगू को लेके आ गई घर। अभी उसको और खेलना था बट उसके फ्रेंड जा चुके थे, तो अब कपड़ा मैंने उसका निकाल दिया लेकिन अब पहन नहीं रहा दूसरा, रो रहा है कि अभी और उसको नीचे जाना है, और बाबू अपना नीचे इंजॉय कर रहा है चल चल के। और मैं सोची चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ वरना फिर रह जाएगा, दूसरे दिन करना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं ऐसे अच्छे से ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज़, बाय।